नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी पर और मैं हूं ऋतुपेश। बड़ी खबर आपको बता दी, आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है जिसमें कहा जा रहा है कि कश्मीर मसले को लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दी, शाम 4 बजे कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट एनेक्सी में ये बैठक होगी जिसमें कैबिनेट की इस बैठक में जम्मू कश्मीर को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल पैकेज दिया जा सकता है। इसके साथ ही न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख को भी यहां पर फंड मिल सकता है। तो सरकार जो है, जब से धारा 370 हटी है तो उसके बाद से ही लगातार प्रयास यहां पर कर रही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निवेश हो सके और वहां पर कहां कहां पर विकास करना है। इसको लेकर हमने देखा कि किस तरह से जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल है वो भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहुंचा, जहां पर रिपोर्ट में ये जाना गया कि आखिरकार कहां कहां पर विकास की जरूरत दोनों ही जगहों पर पड़ी है। तो फिलहाल इस दौरान आपको बता दें, कहा जा रहा है कि जब ये बैठक होगी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर अहम फैसले लिए जाएंगे तो घाटी में करोड़ों रुपयों निवेश यहां पर सरकार कर सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट के साथ CCEA की भी बैठक यहां पर होगी। तो कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक होनी है। तो आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं, बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज एक और अहम बैठक है मोदी कैबिनेट की, जिसमें कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर और लद्दाख को लेकर कई बड़े अहम फैसले यहां पर लिए जा सकते हैं। फंड लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए जारी किए जा सकते हैं। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।